ठीक है सौरभ, सौरभ तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो विधायक अंदर से आ गए हैं, चेहरे पे मुस्कान है, चंपई सोरेन भी उनके साथ मौजूद है। अब देखना ही है कि अंदर राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ उन्हें कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव, क्योंकि अब समझ आएगा कि झारखंड की सियासत किस दिशा की तरफ जाएगी। जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी जेएमएम की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, वो क्या कामयाब हुई है? क्योंकि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा महागठबंधन की तरफ से वो नाम तय कर लिया गया है। अंदर राज्यपाल से तमाम विधायक मिल गए हैं, सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर भी दावा पेश कर दिया गया है। अब वो बाहर आ गए हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं। गठबंधन से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे, उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी ले सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है, उसमें 43 और ये हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। आलमगीर जी, जी समय समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ नहीं, शपथ ग्रहण करने कोई समय नहीं मांगे थे, हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी साथ जो है 43 विधायक है वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं आप लोग दावा पेश किए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना चले गए। देखिए हम सब अपना सरकार दावा पेश किया है, 43 चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सब ने दावा पेश किया है। और बोलिए अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को आने का बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या कुछ आगे की रणनीति? भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा।